गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नेम इज शेयरिंग आवर फीलिंग्स. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर लौटने के बाद, देयर आर टू पीपल विथ हुम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़. दो लोग हैं जिनसे कि मैं अपनी सारे न्यूज़, सारी बातें शेयर करती हूँ. दे इन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. वे मेरी स्टोरी को सुनने में इन्जॉय करते, मेरी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. पहला कौन है जो दो लोग मेरी स्टोरी को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं? पहली मेरी नानी है. शी इज़ ऑलवेज एंग्शियस टू लिसन टू मी. वो हमेशा क्या रहती है, उत्सुक रहती है मेरी कहानी सुनने में. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. वो मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती है. शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेंस. वे क्वाइट मतलब काफ़ी बूढ़ी है और उनको अक्सर बैक पेन, पीठ में दर्द रहता है. शी कैन नॉट सी ऑल हेयर वेल. वे अच्छे से देख नहीं सकती और अच्छे से सुन नहीं सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग. हर दिन, प्रत्येक दिन सुबह, पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. पापा जो है उनके लिए न्यूज़पेपर जोर जोर से पढ़ते हैं. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ. वो अपना सारा काम खुद से स्वयं करना पसंद करती हैं, खुद से कर लेती हैं. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट वेरी अपसेट. अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वे बहुत अपसेट हो जाती हैं. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. क्योंकि वो प्रॉपर देख भी नहीं सकती हैं, फिर भी उनको वेजिटेबल्स काटने की शौकीन हैं वो. शी सेज दिस डेज चिल्ड्रेन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. वे कहती हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो अच्छे से नहीं जानते कि प्रॉपर अच्छे से वेजिटेबल कैसे कट करना चाहिए, प्रॉपरली कट करना उन्हें नहीं आता. द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया. दूसरे जो पर्सन हैं जो मेरी स्टोरियों को सुनना पसंद करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनका नाम है रवि भैया. ही लिव्स विथ अस. वो हमारे साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स मी एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. मैं उनको रवि भैया बोलती हूँ और वे मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी बोलते हैं. आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज. मुझे नहीं पता कि उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है. बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर. लेकिन वे बहुत ही प्यारे भाई हैं. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन. वे हमेशा मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं. ही नेवर सेज. वे कभी नहीं कहते आई विल टेल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ऐसा वो कभी नहीं कहते. रवि भैया टीचेस इन अ कॉलेज. रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. और उनमें से कुछ लोग जो हैं उनसे घर पर पढ़ने के लिए भी आते हैं. रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज. रवि भैया जो हैं वे म्यूज़िक सुनने में भी इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत सारे तरीके के प्लेज में भी पार्ट लेते हैं. ही इन्जॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम. वे अपने दोस्तों से बात करने में इंटरेस्ट लेते हैं और
उनके साथ बाहर भी जाते हैं। ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। वे एक बहुत अच्छे हास्य वृत्ति के हैं और हम सबको हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। भैया एक वाइट कलर की स्टिक रखते हैं जब वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस। नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। उनको देख करके जिस तरीके से वो घर में मूव करते हैं, कोई भी नहीं कह सकता है कि वो देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। और वो अपना सारा काम खुद से करना पसंद करते हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगर कोई भी उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी हेल्प करना चाहता है तो वह एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। व्हेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। जब भी उनको कोई मदद चाहिए होती है तो वो उसके लिए बोलते हैं। सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देन आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स। और भैया के कुछ स्टूडेंट्स उनसे बुक लेकर के जाते हैं और उनको वापस करते हैं, रिकॉर्डिंग टेप में रिकॉर्डिंग करने के बाद उनको वापस करते हैं। रवि भैया लिसेंस टू दिस टेप्स। और रवि भैया इन टेप्स को जिसमें रिकॉर्डिंग करके स्टूडेंट्स दे जाते हैं उसको सुनते हैं। भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू। और भैया के पास बहुत सारी दूसरी भी बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेस्ड पॉइंट्स। भैया के पास दूसरी भी बहुत सारी बुक्स हैं और इन बुक्स के जो पेजेस हैं वो इस बुक्स की पेजेस जो हैं थिक एंड हैव रोज मोटे हैं और वो कैसे हैं हैव रोज ऑफ रेस्ड पॉइंट्स या फिर डॉट्स बोल सकते हैं। तो कुछ डॉटेड लाइंस हैं जो एक लाइन से लिखे हुए होते हैं, जो रेज उभरी हुई अक्षरों में लिखे होते हैं। ही रीड्स बाई रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेस्ड डॉट्स। वे इनको कैसे रीड करते हैं बाई रनिंग हिज फिंगर्स। अपने फिंगर को उसके ऊपर टच करके महसूस करके उसको रेस्ड डॉट्स जो उभरे हुए डॉट्स बने हुए हैं उसको महसूस करके रीड करते हैं। टू हैव फन विथ भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। भैया के साथ मजाक करने के लिए, मस्ती करने के लिए कई बार कभी कभी मैं उनके जो स्टिक की प्लेस है उसको चेंज कर देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वे अपसेट हो जाते हैं लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं करते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। क्योंकि मैं उनके फेवरेट सिस्टर हूँ सीमा। मेरा नाम क्या है सीमा है। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे। मैं दरवाजे तक मुश्किल से पहुँची ही थी कि भैया ने कहा कि सीमा आज तुम बहुत ही खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइजेस नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। न कि सिर्फ मुझे, भैया सारे ही फैमिली मेम्बर को जैसे हम चलते फिरते हैं जिस तरीके का साउंड आता हमारे चलने फिरने से उसे सारे फैमिली मेम्बर्स को पहचान लेते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। और वो ये भी बता सकते हैं कि हम हैप्पी हैं या फिर सैड हैं, दुखी हैं या खुश हैं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। भैया मैं अंततः फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ। आई शेयर माई न्यूज़ विथ हिम।
मैंने अपना जो न्यूज़ था वो भैया के साथ शेयर किया। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, उन्होंने मुझे तप थपथपाया, सिर पे हल्के से थपथपाया और प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, और आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, सीमा के पापा नानी के लिए जोर जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, आप कैसे ओल्ड पीपल या बूढ़े लोग की मदद करते हो, इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं, यह आपको ओन करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन रिमेम्बरिंग टू टेक हर मेडिसिंस, मैं अपनी ग्रैंड मदर को याद दिलाता हूँ दवाई टाइम पर लेने के लिए याद दिलाता हूँ, इस तरीके से मैं ग्रैंड मदर की हेल्प करता हूँ। आप जिस तरीके से जो भी हेल्प करते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में बूढ़े बुढ़ापे में लोगों को किस तरीके के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आती हैं बुजुर्ग लोगों को। दे समटाइम्स फेस पेन इन देयर बोन्स, कभी कभी उनको क्या होता है बोन्स में हड्डियों में दर्द रहता है। दे फेस इशूज इन हियरिंग, दे लैक गुड आई साइड, और कभी कभी उनको सुनाई देने में दिक्कत होती है और उनकी जो आई साइड होती है वो वीक हो जाती है। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, रवि भैया को बिना रवि भैया को कैसे पता चलता बिना देखे किसी भी चीज़ के बारे में, बिना देखे कैसे पता लगा लेते हैं किसी चीज़ के बारे में। रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग बिकॉज ही हैज़ गुड हियरिंग स्किल, क्योंकि उनकी जो हियरिंग स्किल होती है, जो लोग बोल नहीं सकते हैं देख नहीं सकते सुन नहीं सकते, उनकी जो हियरिंग स्किल होती जो लोग देख नहीं सकते काफ़ी अच्छी होती है स्ट्रांग होती है। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, क्या कभी आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ी है, अगर पड़ी है तो कब पड़ी है। यस टू प्लक फ्रूट फ्रॉम द ट्री इन माई गार्डन, हाँ मुझे अपने गार्डन से गार्डन के पेड़ से फ्रूट तोड़ने के टाइम मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ी थी। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक, क्या आप सोचते हो कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब पड़ सकती है। टू क्लाइंब अ ट्री रॉक और माउंटेन वी माइट नीड अ स्टिक, एक पेड़ पर चढ़ने के लिए या फिर रॉक या फिर माउंटेन पर चढ़ने के लिए हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, हम किस तरीके से उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो देख नहीं सकते। बाई हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, उनकी हेल्प रोड क्रॉस करने में हेल्प करके और सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करके हम हेल्प कर सकते हैं। इज देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, क्या आपकी फैमिली में सी स्पीक और हियर, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेम्बर है जो देख नहीं सकता बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता। डू यू नो एनी सच पर्सन, क्या आप किसी ऐसे लोग को जानते हो। हाउ डू पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क, और कैसे लोग उनके काम में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ओन आंसर कर सकते हैं, मैंने क्या लिखा है, नो देयर इज नो सच पर्सन इन माई फैमिली, नहीं मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो देख बोल सुन नहीं सकता। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, आपने स्टोरी रीड किया जिसमें रवि भैया देख नहीं सकते थे, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, लेकिन अपना वो सारा काम खुद से कर सकते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, वे अलग तरीके के बुक से पढ़ते थे। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू
to do his work, close your eyes and play this game. उसको समझने के लिए कि वो कैसे, जब उनको दिखाई नहीं देता था तो कैसे स्टडी वो कर सकते हैं या चीज़ों को समझ जाते हैं, इस चीज़ को महसूस करने के लिए, समझने के लिए चलिए एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम है ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड यानी कि आंखों पर पट्टी। आंखों पर पट्टी बांध करके हम लोग कई बार एक गेम खेलते हैं, सबको पता ही होगा, उस गेम के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। एक बच्चे के आंख पर पट्टी बांध दो। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रेन कम टू हिम ऑन और हर क्वाइटली। अगर वो लड़का है या लड़की है, एक एक करके चुपचाप उसके पास बच्चे आएंगे। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड ब्लाइंडेड, वो बच्चा जो जिसने कि ब्लाइंड फोल्डेड है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, हैज़ टू गेस, वो गेस करेगा हु द अदर चाइल्ड इज, कि वो बच्चा कौन है जो उसके पास आया। बाई टचिंग हिम और हर, उसको छू करके, टेक केयर, उसको छू करके बताएगा कि वो बच्चा कौन है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, ध्यान रखो कि कोई साउंड नहीं करना है। डू यू नो वाई, डू यू नो वाई, कैसे आपको बताना है तो हम क्या बोलेंगे। साउंड्स हेल्प पीपल टू लोकेट थिंग्स, दैट इज वाई वी शुड नॉट मेक एनी साउंड वाइल प्लेइंग दिस गेम। इन द सेम वे वन बाय वन, इसी तरीके से एक एक करके ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रेन, और सारे बच्चे एक एक करके ब्लाइंड फोल्ड आंखों पर पट्टी बांधेंगे। ईच वन हैज टू ट्राई एंड गेस बाई टचिंग हु द अदर चिल्ड्रेन आर, और वो गेस करेंगे कि जो बच्चा उनके पास आया वो कौन है। डिस्कस एंड टेल, हियर इज सम क्वेश्चंस। हाउ मेनी चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग। जो आपने ब्लाइंड फोल्ड गेम खेला उसमें आपको ये बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेंस, कितने बच्चे कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग, कितने बच्चों ने टच करके दूसरे को पहचान लिया। तो जब ये आप गेम खेलोगे तो आपको खुद से ही पता चलेगा, तो ये आपको ऑन आंसर करना है एक हेल्प के तौर पर। यहाँ पर देख लेते हैं कि आंसर किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, थ्री ऑफ द चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग, तीन बच्चों ने टच करके पहचाना। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रेन बाई ओनली हियरिंग देम, कितने बच्चों ने सिर्फ आवाज़ सुन करके उनको पहचाना। तो ये भी आपको ऑन आंसर करना है। देख लेते हैं, फाइव ऑफ द चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रेन बाई ओनली हियरिंग देम। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच वॉज इजियर ऑफ द टू, दो के लिए क्या आसान था। थर्ड नंबर, रिकॉग्नाइजिंग बाय हियरिंग इज ईजियर, सुन करके, आवाज़ सुन करके रिकॉग्नाइज करना ज़्यादा इजी था। टच एंड टेल, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, ये आपको क्लास में करना है। आपको पहले तो अपने टीथ टच करके चेक करने हैं कि कितने टीथ हैं आपके माउथ में, इसके बाद आपको पता करना है, क्योंकि सारे बच्चों ने क्लास के यही काम किया, तो उनसे पता करो किस किसके टीथ कितने हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा टीथ किस बच्चे के हैं क्लास में। देयर आर 30 टीथ इन माई माउथ, मेरे मुंह में 30 दांत हैं। और क्लासमेट से आप पता करिए कि सबसे ज़्यादा किसके हैं। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाई
ओनली टचिंग, कितनी चीज़ों को आप सिर्फ टच करके बता सकते हो। तो ये भी ओन आंसर है। देख लेते हैं किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। आई कैन रिकॉग्नाइज क्लॉथ्स, ग्लास, मेटल, वुड, क्ले एक्सेट्रा ओनली बाय टचिंग। बहुत सारी चीज़ें आप छू करके बता सकते हैं। क्लोज योर आइज एंड लिसन, आंखें बंद करो और सुनो। व्हाट साउंड कैन यू हियर, कौन से साउंड आप सुन सकते हो। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, और किन लोगों को आप उनके चलने फिरने से जिस तरीके से वो मूव करते हैं उस हिसाब से आप पहचान सकते हैं। आई कैन हियर बर्ड्स चिरपिंग, पीपल टॉकिंग एक्सेट्रा। आई कैन रिकॉग्नाइज माई फ्रेंड्स बाई हियरिंग देम, मैं अपने फ्रेंड्स को उनको सुन करके पहचान सकता हूँ। बाई जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज समवन क्लोज टू यू, क्या आपके अगर पास में कोई है तो आप स्मेल करके बता सकते हो, उसकी स्मेल से आप बता सकते हो। येस आई कैन फेल्ट इफ इट इज समवन क्लोज टू माई टू मी बाई स्मेलिंग। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, एक स्पेशल तरीका होता है जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, एक स्पेशल तरीका होता है। इट इज कॉल्ड ब्रेल, इसको ब्रेल बोला जाता है, ये एक लिपि है। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाई मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ड पॉइंट्स विथ अ पॉइंटेड टूल। ये कैसे लिखा होता है, एक थिक पेपर के ऊपर, मोटे पेपर के ऊपर एक रेस्ड पॉइंटेड डॉट के थ्रू एक लाइन में लिखी होती है ये चीज़ें, जो अक्षर होते हैं सारे एक लाइन में रेस्ड डॉट्स के थ्रू लिखा होता है, किसी एक पॉइंटेड टूल के साथ लिखा होता है। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस्ड डॉट्स, जो ब्रेल होते हैं वो कैसे इसको रीड करते हैं, अपने जो फिंगर्स होते हैं इसके ऊपर फिंगर चला करके, अपने रेस डॉट्स के ऊपर फिंगर चला करके उसको महसूस करके वो पढ़ते हैं। लेट अस सी वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट, हम देखते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट होता है इसको पहचानना, एक शेप को बिना देखे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज बाय टचिंग, ये आसान हो जाता है टच करके पढ़ना। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, एक सैंड पेपर शीट लो, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वुड और थिक थ्रेड ऑन इट, मेक अ शेप, इसके ऊपर एक शेप बनाओ बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वुड, एक थिक मोटे वुड से इस पर प्रेस करके एक शेप बनाइए या फिर एक थिक थ्रेड से इसके ऊपर शेप बनाइए। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर हिज आइज, और आपके फ्रेंड से अगर वो लड़की है या लड़का है उससे आप बोलिए कि अपनी वो आइज क्लोज करें। एंड आइडेंटिफाई द शेप बाई रनिंग हर हिज फिंगर ऑन द शीट, और जो आपने शेप बनाया है वो उसकी पहचान करें, जो शीट पर आपने शेप बनाया अपने फिंगर से, फिंगर रख करके पहचान करें शेप की। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट इजी और डिफिकल्ट, अपने फ्रेंड से पूछो कि क्या ये डिफिकल्ट था या इजी था, तो ये आपका फ्रेंड आपको बताएगा। Ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way, और अपने फ्रेंड से उसी तरीके से sandpaper पर एक शेप बनाने के लिए बोलो जिस तरीके से आपने बनाया था। Now you identify it by filling with your fingers, और अब आप इसको आपकी बारी है, अब आप इसे identify करिए, पहचान करके बताइए अपने fingers के थ्रू। Take a थिक पीस ऑफ पेपर, एक थिक पीस ऑफ पेपर लीजिए, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ
कंपास और अ नीडल। मेक एन आउटलाइन, एक आउटलाइन बनाइए किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ कंपास और अ नीडल, कंपास की हेल्प से या फिर नीडल की हेल्प से बनाइए। मेक डॉट्स एज अ शॉर्ट डिस्टेंस, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट्स बनाइए। ऑन द आउटलाइन ड्रॉन, जो आपने आउटलाइन ड्रॉ किया है थोड़ी थोड़ी दूर पर डॉट्स बनाइए। यू कैन सी दैट द पेपर इज रेस्ड ऑन द अदर साइड, आप देखेंगे कि दूसरे साइड को पेपर उभर गया हुआ है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइंड, और अपने फ्रेंड्स से बोलिए कि वो आंखें बंद करके फिंगर्स के थ्रू इसको महसूस करे कि आपने क्या आउटलाइन बनाया है। इज नॉट इट डिफिकल्ट, क्या ये डिफिकल्ट नहीं है। थिंक अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड, और सोचो कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो किस तरीके से इसको रीड करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल, यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स, आपने देखा कि रवि भैया जो थे वो स्पेशल टाइप की बुक पढ़ते थे। हाउ आर दीज बुक्स मेड, ये बुक्स किस तरीके से बनाई जाती हैं। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स, किसने सबसे पहले इस बुक के बारे में सोचा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये पिक्चर पहले हम ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है द ब्रेल स्क्रिप्ट, और ये खास तरीके से कुछ डॉट्स बने हुए, जैसा कि हम देख सकते हैं ये ऊपर अल्फाबेट लिखा हुआ है, इसके नीचे ये डॉट्स बने हुए हैं, कुछ इसमें उभरे हुए डॉट्स भी अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। लुईस ब्रेल बिलोंग्ड टू फ्रांस, लुईस ब्रेल जो थे, नाम है ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रांस के रहने वाले थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज 3 ईयर ओल्ड, जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विद द फादर्स टूल, वे अपने पापा के टूल्स के साथ, औजार के साथ खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, अचानक ही एक पॉइंटेड टूल, जो नुकीला टूल था, वो उनकी आइज को नुकसान पहुंचा दिया, चोट पहुंचा दिया, हर्ट कर दिया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, वे अपनी आंखें खो चुके थे। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, और उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वे सोचते रहते थे कि अलग अलग तरीके से, किस तरीके से पढ़ने और लिखने के बारे में सोचते रहते थे। फाइनली ही फाउंड अ वे, और अंततः उन्हें एक रास्ता मिल गया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, पढ़ाई कैसे करना, बाय टच करके और महसूस करके, ऐसा इनको एक रास्ता समझ में आ गया। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू नो एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, और ये रास्ता आगे जा करके किस नाम से जाना जाने लग गया, ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाने लग गया। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेस डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर, इस तरीके के स्क्रिप्ट में एक उभरी हुई लाइन डॉट्स लगा करके उभरी हुई लाइन से लिखा जाता है एक मोटे पेपर के ऊपर। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेस्ड, क्योंकि ये जो डॉट्स हैं वो उभरी होती हैं, दे कैन बी रीड बाई रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, तो इस तरीके से उस पर फिंगर रख करके पढ़ा जा सकता है, महसूस करके पढ़ा जा सकता है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, ये स्क्रिप्ट 6 पॉइंट पर बेस होता है, आधारित होता है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस दीज डेज, जो ब्रेल स्क्रिप्ट स्टार्टिंग में बनाई गई थी
वो आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस कर चुकी है, चेंज हो रहे हैं उनमें। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, और ये पढ़ने और लिखने को सिंपल बनाती है जो लोग देख सुन नहीं सकते उनके लिए। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, और जो लोग देख सुन नहीं सकते आजकल कैन नाउ ऑल्सो रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, ये आजकल कंप्यूटर के यूज से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।